जिला मुख्यालय में हिंदू महासभा ने किया जोरदार प्रदर्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर भड़के हिंदूवादी, अखिलेश यादव की मिली भगत से स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं बयानबाजी। कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य की काटी जीभ। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की तस्वीर लगाकर किया प्रदर्शन। हिंदूवादी नेता संजय जाट ने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट कर लाने पर 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। हिंदूवादियों ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर पर लगाए जूते। देखिए, जिस प्रकार लगातार सनातन धर्म पर और हिंदू धर्म पर आघात करने वाले, अभद्र भाषा की प्रयोग करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से टिप्पणी की। अब तो उन्होंने जहां एक और पूरा विश्व रामलला की प्रतिष्ठा कार्यक्रम मना रहा, वहीं पर इस तरह का बयान आना कि यह रामसेवको में जो मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलाई थी वो सही ठहराया और सनातन धर्म को कारसेव को राम भक्तों अराजक और गुंडागर्दी जैसी संज्ञान दे दी। आज हमने माननीय अखिलेश यादव जी को इनके आंखों में पट्टी भी बांधी हुई है, वो इस बात का इशारा कर रही है कि ये सब कुछ जानते हुए भी किस तरह गले मिलना है और बयानबाजी से करा रहा है। आज हम लोगों ने, हमारी बीना दिवाकर जी ने, ब्रजेश भदौरिया ने आज इसकी जवान काट दी है और जवान काट कर अब शायद ये सुधर जाए। और क्योंकि अब हम लोग पक्ष के मूड में नहीं है इसको छुपाने के, हम कई बार इसके लखनऊ भी जा चुके, ये हमें नहीं मिला। रास्ते में हमें एक स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति मिला जिसका हमने प्रतीकात्मक जीव काटी है और जीव काटने वाले आपके वास्तव में जो जीव काटेगा उसको 5 लाख रुपए का नगद इनाम हिंदू महासभा राजकोष से दी जाएगी। आज हमने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीव काटी है और इनके अखिलेश यादव के सामने काटी है। अखिलेश यादव सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठे, पार्टी से नहीं निकालना तो लगता है कहीं ना कहीं इसमें से है। और जिस तरह रामलला का निमंत्रण उन्होंने अस्वीकार किया है, इस बात की पुष्टि हो गई है कि सब कुछ देखते हुए भी वे अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आज हमने जो कार्यक्रम किया है, यानी कि हमने पहले भी किया था, हमने एक बात सोचने में कहने में शर्म आती है, कहते हैं ना कि लंबी जीभ और लंबा धागा जैसा लिबड़ जाता है, ऐसी ही स्वामी प्रसाद जो मौर्य है इसकी भी जीभ लिबड़ जाती है और इतनी लिबड़ जाती है कि उसे ये नहीं पता ना मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए हमने आज उसकी जीभ काट के नहीं उसको साबित किया है, अखिलेश यादव के आगे इसलिए काटा है कि अखिलेश यादव जी को सारी चीज मामले में होते हुए वो हमारे सारी काम करा रहे हैं, यानी सब वही दे रहे हैं, मेरा ये कहना है। नहीं तो अब तक उनको निकाल नहीं दिया, कई बार उन्होंने बयान ऐसा गलत दिया है। आज हम ये बात कहना चाहते हैं, इधर हमारे हिंदू सनातन को धर्म पूरा देश खुशी मना रहा है राम मंदिर की, यानी कि हर आदमी जानता है कि सब राम के वंश है, राम हमें सबसे ज्यादा प्यारा है और हमें हिंदू सनातन से वो गाली दे रहा है, राम भक्तों को गाली दे रहा है, ये आगे से नहीं होगा। अब की बार हमने जीव काटी है, अगर हमें सामने से कहीं पड़ गया तो हम उसकी हकीकत में जीव काट देंगे और काट के नहीं अखिलेश यादव की आत्मा थमा देंगे। जय श्री राम। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।